अरे यार देख, राहुल हारा है अपनी खटारे से साइकिल को लेके। आज इसके साथ मजे लेते हैं। आज लेते हैं सब। अरे राहुल इधर सुनना। हाँ बोलो भाई। यार ये बता, हम तुझे 6th क्लास से देख रहे हैं इस साइकिल पे, और कितना चलाएगा इसे? अब तो फेंक दे इसे कबाड़े में। यार ये साइकिल मेरे पिताजी की थी, मैं इसे नहीं फेंक सकता। अच्छा चल ठीक है, नहीं फेंक सकता, लेकिन यार बाइक तो ले ही सकता है। इस पर शर्म नहीं आती क्या तुझे कॉलेज जाते हुए? भाई शर्म तो आती है, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत बार बोल चुका हूं मम्मी से, लेकिन वो दिलाती नहीं है। तो यार साफ बोल देना, मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज जब तक नई बाइक नहीं दिला देती। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं बोल सकता मम्मी से। अबे साले डर डर के जिंदगी गुजार देगा या कभी ऐस भी करेगा लाइफ में? यही दिन है मौज लेने के और बाइक्स पे घूमने के। अब नहीं घूमेगा तो क्या फिर बुढ़ापे में घूमेगा? देख यार हमें तो शर्म आती है अब तेरे साथ रहने में। अगर हमारे साथ रहना है ना तो एक नई बाइक ले ले। क्यों भाई अभिषेक, चल अब जाए यहाँ से अपनी इस खटारा से साइकिल को लेके। अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार ये। आ गया राहुल बेटा तू? चल हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। मुझे नहीं खाना कोई खाना। और क्यों, खाना क्यों नहीं खाएगा तू? और इतना परेशान सा क्यों है? मम्मी कितनी बार बोला है मैंने आपसे कि मुझे एक बाइक दिला दो, लेकिन आप सुनती ही नहीं हो। बेटा कुछ दिन और रुक जा, मैं तेरे को जल्दी ही बाइक दिलवा दूंगी। आपको मालूम भी है आपको ये झूठ बोलते हुए पूरा 1 साल हो गया है, और कितना झूठ बोलोगी आप? अब तो मुझे भी शर्म आने लगी आपसे पैसे मांगते हुए, लेकिन आपके अंदर तो शायद इतनी शर्म भी नहीं बची है जो हर बार झूठ बोल देती हो। भाई तू मम्मी से इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहा है? तुझे मालूम है ना कितनी मुश्किलों से मम्मी ने हमें पापा के बाद पाला पोसा है। तू चुप बैठी रहे, तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। खैर अब बहुत हुआ, अब मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे नई बाइक दिलाने के लिए नहीं बोल देती हो। भाई यार समझने की कोशिश तो कर, कहाँ से लाएंगी ये इतने पैसे? मुझे नहीं पता कहाँ से लाएंगी, कॉलेज में पढ़ाने से पहले क्यों नहीं सोचा था? वहाँ सभी बच्चे अपनी बाइक से आते हैं, ढेर सारे खर्चे करते हैं, और मैं तो बस एक बाइक ही मांग रहा हूँ। कौन सा कार मांग रहा हूँ जो आप नहीं दिला सकती? राहुल बेटा देख, मजबूरी है हमारी, तेरी बहन की भी तो शादी करनी है, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि सही से हम खा पी सके, और तू बाइक लेगा तो खर्चा और बढ़ जाएगा। तो ऐसा करो मम्मी, मुझे जहर देकर मार दो, आपका पढ़ाई का खर्चा भी बच जाएगा और सारा इसकी शादी में लगा देना। मुझसे तो प्यार ही नहीं है ना आपको, और आप मुझे ये बताओ जब आपको मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों पाला मुझे, क्यों किया मुझे इतना बड़ा? जब पिताजी मरे थे उनके साथ ही मुझे भी मार देती। भाई तुझे मालूम भी है तो गुस्से में क्या क्या बोले जा रहा है? मम्मी रो रही है, कम से कम अब तो चुप हो जा। सुन तू छोटी है, छोटी बन के रह, बड़ी बनने की कोशिश मत कर। और रोना धोना कौन सा बड़ी बात है इनके लिए, ये सब तो हमेशा से करती आई हैं ये। जब भी कुछ इनसे अपनी पसंद का मांगता हूँ हमेशा रोने का ड्रामा शुरू कर देती हैं ये। खैर अब बहुत हुआ, अब नहीं सुनने वाला मैं। मम्मी प्लीज आप चुप हो जाओ, रो मत। बेटा तू से रो, वो गुस्से में कुछ कर ना ले। ठीक है लेकिन आप चुप हो जाओ, पहले मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ उसे। भाई सुन ये बता, क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ जो तू कभी कभी बाइक के लिए इतना गुस्सा करने लगता है मम्मी पर? तुझे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं? तू अपना काम कर जाके, जा यहाँ से। यार भाई बता तो सही प्लीज एक बार। बोला ना कुछ नहीं है, मेरा मूड ऑफ है बस, और मम्मी को तो सिर्फ तेरी परवाह है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। कितनी बार बोल चुका हूँ उनसे कि मुझे बाइक दिला दें, लेकिन मेरी सुनती ही नहीं है। खैर अब बहुत हुआ, अब नहीं मानने वाला मैं जब तक मुझे बाइक नहीं मिल जाती। कभी तू और मम्मी ये सोच रही हो कि इस बार भी मान जाऊंगा, इस बार नहीं मानूंगा मैं। चल अब तू जा यहाँ से, मेरे पास मत बैठ, मुझे बहुत बुरी लगती है तू, जा यहाँ से। गाइज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ विंजो ऐप के बारे में। आप गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हैं क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नैक रश जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल्स वैसे गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स, और डायरेक्ट विड्रॉ करो अपने पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं शॉपिंग भी करो, विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार,
गाना जैसे कई ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड्स रोजाना। 10 दिन लगातार स्पिन स्टिक बनाकर जीतो बाइक और स्मार्टफोन। तो गाइज अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं, सो अभी विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। क्या बोला बेटा राहुल ने, वो माना है या नहीं? नहीं माना वो, लेकिन आप फिक्र मत करो, जल्दी ही मान जाएगा। अभी गुस्से में है वो, और माँ मुझे लगता है उसकी गलती भी नहीं है, कॉलेज के बच्चों को देखकर उसका मन भी तो करता होगा। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, और मैं चाहती भी हूँ उसे बाइक दिलाना, पर मैं क्या करूँ, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं ज्यादा, बस थोड़े बहुत पैसे कमा पाती हूँ। और बेटा, पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन जब तुम दोनों बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, उनकी बीमारी में बहुत पैसा लगा, हम फिर भी उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे से उन्होंने वादा लिया था कि मैं तुम दोनों को कभी पिता की कमी महसूस ना होने दूं। और उनके मरने के बाद दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है। मुझे लगता था ये सब देखकर तुम्हारे पिताजी खुश हो रहे होंगे, पर मैं आज हार गई। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा तो दिया, पर तुम्हारी पसंद की चीज़ें कभी नहीं दिला पाई। ये सब देखकर तुम्हारे पिताजी दुखी होते होंगे, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं मम्मी, चुप हो जाओ प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने तो हमारी सभी जरूरतें पूरी की हैं। बेटे, मुझे झूठी दिलासा मत दे, मैं सचमुच हार गई आज। नहीं माँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, आपने हमारी सभी जरूरतें पूरी की हैं, हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया है, हमेशा अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया। और रही बात बाइक की, तो मुझे नहीं चाहिए अब बाइक, और मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने आपसे ज़िद की और मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आप भी चुप हो जाओ प्लीज़। कोई बात नहीं बेटा, बस आगे से ध्यान रखना। ओ भाई, TVS रेसिंग बाइक, तुझे पता है ये 150 की स्पीड से ऐसी चली जाती है। अच्छा भाई। हाँ भाई, और RTR 164 भी है। लेकिन भाई ये है किसकी बाइक? मालूम नहीं भाई, कहीं इसकी तो नहीं है। अजी हाँ, इसके बस की नहीं है इतनी महंगी बाइक लेना, किसी और की होगी। खैर अभी पता चल जाएगा किसकी है। राहुल सुन, तू यहाँ क्या कर रही है मेरे कॉलेज में? मैं ही नहीं, मम्मी भी आई है। मम्मी भी? लेकिन क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? वो बाद में बताऊंगी, पहले ये बाइक देख। हाँ देखी मैंने, सच में बहुत अच्छी है यार। तेरे लिए ली है मम्मी ने। मेरे लिए ली है? और तेरे भाई, इसी की है ये बाइक, हमें तो लगा था कभी ले नहीं पाएगा। लेकिन मेरे लिए क्यों लिए आपने इतनी महंगी बाइक, और इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? राहुल बेटा, कल हम दोनों मंदिर गए थे तेरे लिए मन्नत मांगने, वहीं हमने देखा तेरे दोस्त तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों बे, तू आज भी नहीं लाया नई बाइक, फिर सागर खटा रहे साइकिल पे? उस दिन तो बड़ा छाती चौड़ा के बोल रहा था जैसे नई बाइक लेके ही आएगा अब कॉलेज में। माँ वो देखो, वो लोग भाई की बाइक के लिए कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। यार विकास, मुझे तो इसकी मम्मी पे भी हंसी आती है सच में, वो खुद भी तो नहीं सोचती कि मैं ही दिला दूं इसे नई बाइक, साइकिल पे जाते हो शर्म आती होगी इसे। भाई मुझे तो लगता है उनके खुद के शर्म नहीं होगी। बेटा तुम जैसों के बस की नहीं है नई बाइक लेना, तुम सिर्फ बात बना सकते हो। तभी मैंने सोच लिया था मैं तुझे उनसे भी महंगी बाइक दिलाऊंगी। और भाई फिर मम्मी ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी। लेकिन मम्मी आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया?
क्योंकि भाई एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई अगर उसके बच्चे को या परिवार को कुछ बोले तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इमोशनली होता रहेगा या हमें बाइक पे भी घुमाएगा? तुम बैठो। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तो गाइज वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया आपने तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके भी जरूर बता दो हमें ये आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लो प्लीज़, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विंजो ऐप का लिंक है तो उसे वहाँ से डाउनलोड करो और एक्सपीरियंस करो खुद। और गाइज अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है rahul.rana.art। सो मुझे अभी फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।